नमस्कार दोस्तों, आलिया स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे कोशिका विभाजन के अंतर्गत अर्धसूत्री विभाजन के बारे में। दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था समसूत्री विभाजन के बारे में, आज हम लोग पढ़ेंगे अर्धसूत्री विभाजन के बारे में, जिसे हम लोग इंग्लिश में मियोसिस कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्धसूत्री विभाजन की खोज की थी वीजबैन नामक वैज्ञानिक ने, और जो इसका नामकरण किया था फॉर्मर तथा मूरे ने किया था। तो खोज किसने की थी? वीजबैन ने, और इसका नामकरण किया था फॉर्मर तथा मूरे ने। अर्धसूत्री विभाजन होता क्या है? अर्धसूत्री विभाजन एक ऐसा विभाजन है जिसमें एक मात्र कोशिका से चार पुत्री कोशिका का निर्माण होता है, एवं इन पुत्री कोशिकाओं में मात्र कोशिका की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? आधी रह जाती है। मियोसिस जो है जनन कोशिका यानी कि जर्मिनल सेल्स में होता है। पुत्री कोशिका परस्पर असमान होती है इसमें, और मातृ कोशिका से भी असमान होती है। और इसमें क्या होता है? दो उत्तरोत्तर विभाजन होते हैं, मतलब कि मियोसिस में दो तरह के विभाजन होते हैं। अब अर्धसूत्री विभाजन का महत्व क्या है? जो अर्धसूत्री विभाजन होता है इसमें गुणसूत्रों की संख्या जो है पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है, और अनुवांशिक पदार्थों की अदला बदली होती है, जिससे कि क्या होता है, विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। जैसा कि हम लोग ने देखा कि अर्धसूत्री विभाजन में दो तरह के विभाजन होते हैं। तो जो पहला होता है वो विषम रूपी विभाजन, जिसे कि हास विभाजन भी कहते हैं, मियोसिस फर्स्ट। और जो हमारा दूसरा विभाजन होता है उसे समरूपी विभाजन या मियोसिस सेकेंड कहते हैं। अब विषम रूपी विभाजन में जो ये दो पुत्री कोशिकाएं बनती हैं जिनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी रह जाती है? आधी। और जो समरूपी विभाजन होता है वो अंत में, इसके अंत में चार पुत्री कोशिकाएं बनती हैं। और ये जो ये सम विभाजन जो होता है वो समसूत्री विभाजन के समान होता है। अब ये विभाजन होते किस तरीके से, आइए इसको अच्छे से समझते हैं। मियोसिस फर्स्ट जो है इसमें जो है चार अवस्थाएं होती हैं, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट। और जो इसकी पहली अवस्था होती है प्रोफेज फर्स्ट, ये सबसे लंबी प्रावस्था होती है, जिसमें पांच उच्च प्रावस्थाएं भी होती हैं, जिनका नाम है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। चलिए इनको अब हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। जो प्रोफेज फर्स्ट होती है ये सबसे लंबी व जटिल प्रावस्था होती है। तो इसमें जो पहली उप प्रावस्था होती है इसे हम लोग क्या कहते हैं, लेप्टोटीन कहते हैं। और ये छोटी अवस्था है, इसमें गुणसूत्र क्या होते हैं, ये जो हमारे गुणसूत्र हैं ये लंबे व पतले हो जाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं। क्रोमोमियर स्पष्ट हो जाते हैं, और गुणसूत्रों की संख्या शरीर के अन्य गुणसूत्रों की तरह ही द्विगुणित होती है। इसके बाद हमारे दूसरी प्रावस्था होती है जाइगोटीन। इस अवस्था में क्या होता है, जो समजात गुणसूत्र होते हैं वो जोड़ों में व्यवस्थित हो जाते हैं। ये देखिए इस तरह के जो हमारे समजात गुणसूत्र हैं वो जोड़ों में व्यवस्थित हो जाते हैं, और ये लंबाई में एक दूसरे से सट जाते हैं। और इनके मध्य पेयरिंग होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सिनेप्सिस। जो इस तरीके से यहाँ पे पेयरिंग होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सिनेप्सिस। तो सिनेप्सिस किस अवस्था में होती है? जाइगोटीन अवस्था में होती है। हमारी दूसरी अवस्था है वो है पैकेटीन। पैकेटीन ये एक लंबी और जटिल प्रावस्था है, इसमें गुणसूत्र सिकुड़कर छोटे व मोटे हो जाते हैं इस तरीके से, और गुणसूत्र का प्रत्येक गुणसूत्र लंबाई में विभाजित हो जाता है, और प्रत्येक जोड़े गुणसूत्र में चार क्रोमेटिड हो जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे जैसे कि चार क्रोमेटिड हो गए हैं इस तरीके से, यहाँ पे चार क्रोमेटिड हो जाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, टेट्रा वैलेंट। यहाँ पे क्या कहते हैं, इसे टेट्रा वैलेंट कहते हैं। अब हमारी आती है डिप्लोटीन अवस्था, जिसमें क्या होता है, आकर्षण कम हो जाता है, और जो गुणसूत्र जो होते हैं उनका पृथक्करण शुरू होता है। आकर्षण कम होने की वजह से जो गुणसूत्र होते हैं आपस में एक दूसरे से दूर हटने लगते हैं, और जो समजात गुणसूत्र होते हैं अलग होने लगते हैं, परंतु जोड़े के जो सदस्य पूर्ण रूप से अलग नहीं हो पाते, एक दूसरे से एक्स के रूप में उलझे रहते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्स के रूप में
उलझे रहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, काइस्मट्टा। यहाँ पे जो ये अवस्था है इसे हम लोग क्या कहते हैं, काइस्मट्टा कहते हैं। और इस अवस्था को क्या कहते हैं हम लोग, क्रॉसिंग ओवर, मतलब क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होती है, डिप्लोटीन अवस्था में। इसके बाद जो अवस्था होती है उसे हम लोग डाइकाइनेसिस कहते हैं। ये एक अंतिम प्रवस्था होती है, इसमें क्या होता है, जो ये हमारी केंद्रक कला होती है वो विलुप्त हो जाती है। इस अवस्था में केंद्रक कला व केंद्रिका विलुप्त हो जाती है। अब आती है हमारी मेटाफेज फर्स्ट, इसमें क्या होता है, प्रत्येक बाईवैलेंट के सदस्य सेंट्रोमियर द्वारा तर्कु तंतुओं पर बीचों बीच जुड़े रहते हैं। ये जो हमारे बाईवैलेंट्स हैं, ये हमारे ये जो तर्कु बने हुए हैं यहाँ पे अच्छे से जुड़े रहते हैं और मध्य रेखा पर व्यवस्थित हो जाते हैं। ये जो हमारी मध्य रेखा है यहाँ पर व्यवस्थित हो जाते हैं। अब इसके बाद जो आती है उसे कहते हैं एनाफेज फर्स्ट। जो बाईवैलेंट्स होते हैं इनके जो सदस्य होते हैं विकर्षण के फलस्वरूप कोशिकाओं के दोनों ध्रुवों की ओर खिसकने लगते हैं। ये जो हमारे ध्रुव हैं यहाँ पे खिसकने लगते हैं और कोशिका के दोनों ध्रुवों पर व्यवस्थित हो जाते हैं, एक इधर व्यवस्थित हो गया और एक इधर। इसके बाद जो आती है वो टेलोफेज फर्स्ट अवस्था आती है, जिसमें क्या होता है, दो पुत्री केंद्रक बन जाते हैं, ये जो दो डॉटर सेल्स बन जाती है, परंतु इनमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो मात्र कोशिका के आधी रह जाती है और केंद्रक कला उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार जो हमारी पहली अवस्था है मियोसिस फर्स्ट पूरी होती है। अब जो इसके बाद जो दूसरी अवस्था है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मियोसिस सेकेंड या समरूपी विभाजन। समरूपी विभाजन जो है इसकी जो चार उप प्रवस्थाएँ होती हैं, प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड और टेलोफेज सेकेंड। अब हम बात करते हैं प्रोफेज सेकेंड की। प्रोफेज सेकेंड में क्रोमैटिन जो हमारे क्रोमैटिन जाल होता है वो संघनित हो जाता है और गुणसूत्रों का रूप धारण कर लेता है, और जो हमारे गुणसूत्र होते हैं वो मोटे और छोटे हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे मेटाफेज सेकेंड की। इसमें क्या होता है, जो केंद्रिका व केंद्रक झिल्ली होती है वो गायब हो जाते हैं। यहाँ पे जो केंद्रिका केंद्रक झिल्ली गायब हो जाती है और जो सेंट्रोमियर होता है वो दो भागों में विभक्त हो जाता है, किंतु वे अलग नहीं होते। ये जो सेंट्रोमियर है यहाँ पे जो है दो भागों में विभक्त हो जाता है और वो अलग नहीं होते हैं, तर्कु बन जाते हैं। यहाँ पे जो इस तरीके से ये जो है यहाँ पे ऐसे तर्कु बन जाते हैं और गुणसूत्र जो है तर्कु की मध्य रेखा पर व्यवस्थित हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे अगली अवस्था की, एनाफेज सेकेंड। इसमें गुणसूत्र के जो सेंट्रोमियर होते हैं वो विभाजित हो जाते हैं और जो क्रोमेटिड होते हैं अलग होकर दो गुणसूत्र बना लेते हैं, और गुणसूत्र तर्कु के विपरीत ध्रुवों पर जो है क्या होते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे टेलोफेज सेकेंड की। ये जो है एक अंतिम प्रवस्था है और इसमें क्या होता है, जो गुणसूत्र होते हैं वो ध्रुवों पर स्थित गुणसूत्र के चारों ओर जो केंद्रक झिल्ली होती है उसका पुनर्निर्माण हो जाता है, केंद्रक झिल्ली का पुनर्निर्माण हो जाता है और जो मायकोशिका द्रव का विभाजन हो जाता है, जिससे क्या होता है, एक कोशिका से दो कोशिकाएँ बन जाती हैं। इस प्रकार इस अवस्था में अंतिम में जो है चार पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। अर्धसूत्री विभाजन एक लंबी व्यवस्था है और अर्धसूत्री विभाजन में जो है गुणसूत्रों के टुकड़ों के आदान प्रदान से क्या होता है, नई नई किस्में बनती हैं और इस क्रिया से अनुवांशिक विभिन्नताएं मिलती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों का अर्धसूत्री विभाजन पूरा होता है, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें। जल्दी मिलेंगे एक अन्य जानकारी के साथ। नमस्कार।